जनपद औरैया थाना एरवाटरा के अंतर्गत कस्बा उमरैन जयकेश पुत्र राजकुमार दिनांक 28/10/2022 को रात्रि करीब 1:30 बजे घर के बाहर बैठक में सो रहा था। सुबह करीब 4:30 बजे छोटा भाई दिनेश जब घर के बाहर आया तो देखा कि भाई जयकेश फांसी के फंदे में पंखे पर लटका मिला। पीड़ित परिवार ने आनन फानन में 112 नंबर पर फोन किया व चौकी थाने में इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया है कि हमारा जमीनी विवाद कुछ दिनों से मुन्ना लाल पुत्र रामचरण, जगमोहन पुत्र मुन्ना लाल, सुदीप पुत्र मुन्ना लाल, चांद बाबू पुत्र नथु खान, दलेल नगर के साथ चल रहा था। इन सभी लोगों ने मिलकर हमारे भाई जयकेश की हत्या कर फांसी पर लटकाया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि 18 दिन हो गए हैं लेकिन किसी भी दोषी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने योगी आदित्यनाथ सरकार से गुहार लगाई कि सभी दोषी गिरफ्तार किए जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। औरैया से ब्यूरो रिपोर्ट, राम गोपाल परिहार। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। किस जगह रहने वाले हैं? उमरैन जिला, औरैया। क्या घटना हुई आपके यहाँ? घटना सर, मेरे भाई को जो है, मैं 28/10/2022 को रात को जो है, मेरे भाई को किसी अज्ञात चार लोगों के द्वारा जो है मृत कर दी गई है, जिनके नाम मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट कराई थी। क्या नाम है उनके? उनके नाम मुन्ना लाल, सुदीप कुमार, चांद बाबू, जगमोहन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उमरैन जी। उसके बाद? उसके बाद सुबह सर, मैं 4:30 बजे लेटने के लिए उठा तो मैंने देखा वहाँ मेरा भाई जो है रस्सी पर लटका हुआ था, और मैंने जब मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने फाटक खोल के देखा तो मैंने अपने भाई को लटका हुआ पाया। उसके बाद मैंने अपने भाइयों को जो है घर पे अंदर जगाया, जाके माताजी को जगाया, सब माताजी ने मेरे देखा तो ये कि इसमें तो कोई जान भी नहीं बची हुई है। उसके बाद जो है 112 नंबर पे सुबह कॉल की, 112 नंबर आई, उसके बाद चौकी से आई, थाने से पुलिस वाले आए, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आई, जिन्होंने पंचनामा बनाने के लिए 5 लोगों को उतरवाया उस बॉडी को। उसके बाद क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई सर, मैंने जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाने में। थाने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर वहाँ पर। थाने में मतलब जो है 302 का मुकदमा बन रहा था, 306 का मुकदमा लिखा गया। उसके बाद मैंने कंप्लेंट SP को की, SP ने कहा कि तुम्हारा 306 का मुकदमा लिखा जाएगा। 306 का जी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक कोई नहीं गिरफ्तारी हुई सर, चारों जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से यही जानना चाहते हैं सर, जो भी हमारा मतलब केस दर्ज किया गया है उस पर तो कम से कम सुनवाई की जाए, जितने अपराधी हैं गिरफ्तार किए हैं जिनको, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे जो है उनकी उनसे पूछताछ की जाए। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर धरने पर बैठे किसानों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सूत मिल का बंद होना ही अपने